गुड मॉर्निंग टू आर स्टूडेंट्स। मैं MS चौहान, ये मेरा फर्स्ट वीडियो जो फीस के एब्सोल्यूट प्रेशर पे है उसको मैं डिस्प्ले करना जा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली होता ही है, हमारे फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं सब में एब्सोल्यूट प्रेशर ही कैलकुलेशन में काम आता है। जनरली बच्चे जो वैल्यू उसमें लिखी रहती है न्यूमेरिकल में उसी को कैलकुलेशन में रखते हैं और आंसर नहीं आ पाता और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। तो मैं आपको बताऊं, किसी भी न्यूमेरिकल को अगर उसमें कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई है तो हमें हमेशा एब्सोल्यूट प्रेशर ही यूज करना है। तो मैं आज आपको बताऊंगा एब्सोल्यूट प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जनरली हमारे पास कई वैरायटियाँ होती हैं, PSI में होती हैं, दूसरी एक SI यूनिट आजकल मॉडर्न है। तो हमारे जो प्रेशर हैं या तो MMOKG या पास्कल में ज़्यादा यूज होते हैं, और कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये लाइन अपनी लोअर मोस्ट है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। ये लाइन हमारी कब हम अचीव करते हैं, अगर किसी कंटेनर में हमने एयर भरी या एयर ऑलरेडी है एटमोस्फेरिक, तो उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो 1 एटमोस्फेरिक होगा, जिसको हम बिना वैक्यूम पंप के नहीं निकाल सकते। अगर वैक्यूम पंप से हम निकालना शुरू करते हैं उसको, तो निकालते जाएंगे जब परफेक्ट वैक्यूम हो जाएगा, परफेक्ट मतलब उसके अंदर कोई एयर नहीं बचेगी, जो कि इम्पॉसिबल होता है, तो हमारी यह पोजीशन को हम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर वाली लाइन मानते हैं। यहाँ प्रेशर हमारा उसमें बिल्कुल, जिसको बोलते हैं हिंदी में, निर्यात हो जाएगा कम्प्लीट। इसके बाद मैं दूसरी लाइन बनाता हूँ, एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये वो लाइन है जो एम्बिएंट एयर की कंडीशन में हमारा एटमोस्फेयर में जो प्रेशर होता है वो ये एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये वाली लाइन है। और इसके बीच का जो डिफरेंस है इसको मैं बैरोमेट्रिक प्रेशर बोलूँगा। ये 760 MMOHG होता है, तो ये हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर है। इसको हम पास्कल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ एग्जांपल में जो यूज़ करूँगा MMOHG, उसी के बेस पे मैंने इसको 760 MMOHG दिया। अब कि इसमें दो कंडीशन में एक क्लियर आपको करूँगा, एक मैं एटमोस्फेरिक से ऊपर की लाइन यूज की, जो हमें एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा जो गेज प्रेशर की रीडिंग बताते हैं उसको एब्सोल्यूट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं ये लिया गेज प्रेशर। इसकी वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली 500 MMOHG। एक हमने एटमोस्फेरिक के नीचे लिया और उसकी वैल्यू एज्यूम कर ली हमने 300 MMOHG। ये हमारा वैक्यूम प्रेशर हो गया। ये इस केस में दोनों में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे जब लोअर वाली लाइन होगी एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर वाली होगी उसको एब्सोल्यूट में कैसे पढ़ेंगे, और जो एटमोस्फेरिक से ऊपर वाली होगी उसको एब्सोल्यूट में कैसे पढ़ेंगे। इसके लिए मैं एब्सोल्यूट बनाने के लिए इसका टोटली ये अपना बन जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। इसमें क्या क्या आएगा एब्सोल्यूट प्रेशर बनाने में, अगर आपके पास कोई गेज रीडिंग है जो डायल होती है अपना, वो डायल गेज में अंदर बोर्डन ट्यूब होती है और बोर्डन ट्यूब के आउटर साइड में जो हवा होती है वो एटमोस्फेरिक होती है और बाहर भी एटमोस्फेरिक होती है,
तो अंदर वाला और बाहर वाला बोर्डन ट्यूब के प्रेशर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, दैट मीन्स उसमें एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं पड़ा जा सकता, ओनली वो उसके ऊपर जो एक्सिल होगा उसी को पढ़ सकते हैं। तो ऊपर वाले प्रेशर को हम बोलते हैं गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर ये हुआ, एटमोस्फेरिक प्रेशर हुआ। अगर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है इन केस ऑफ हायर प्रेशर लाइन में, ये है हायर वाली, हायर एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो इस केस में हमारा फॉर्मूला बनेगा एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर इन केस ऑफ हायर एटमोस्फेरिक प्रेशर में ऐसे कैलकुलेट करेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, ये वैल्यू इसका यूटिलाइज करेंगे तो गेज प्रेशर में अपनी 500 MPa है और एटमोस्फेरिक जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है वो 760, तो मैं एटमोस्फेरिक लिख दिया 760 mmHg प्लस गेज प्रेशर 500 mmHg, तो इक्वल हो अपना 1260 mmHg। तो इस केस में जब एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना हो, एटमोस्फेरिक हायर प्रेशर हो, तो गेज प्रेशर को एब्सोल्यूट एटमोस्फेरिक प्रेशर में ऐड कर दिया जाता है। ये सिंपल है, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट आइए लोअर वाले केस में, एटमोस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन ये है, हमने इसके नीचे इतना वैक्यूम किया 300 mmHg, दैट मीन्स हमने उतनी एयर उससे रिमूव कर ली जितने में इतना प्रेशर कम हो जाए, तो इसके नीचे कितना प्रेशर बचता है अपना, ये बचेगा 460 mmHg, ये है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। अब इसका कैलकुलेशन करके बैठाएंगे। अब इसको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना, सबसे पहले हमने वैक्यूम की डेट कर दिया, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर की कैलकुलेशन लोअर केस में कैसे होगी, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम, वैक्यूम प्रेशर कह सकते हैं, वैक्यूम प्रेशर। ये हमारा इस केस में हो गया, इसमें से वैक्यूम माइनस करेंगे तो एब्सोल्यूट हमारा बचेगा 760 minus 300 mmHg इक्वल टू बचता है अपना 460 mmHg। इस तरह से हम एब्सोल्यूट प्रेशर ये निकाल सकते हैं। तो जो भी कोई फिजिक्स न्यूमेरिकल में कोई भी इस तरह के प्रेशर हम यूज़ करेंगे कैलकुलेशन में, तो हमें ऑलवेज एटमोस्फेयर तो कभी नहीं, हमें ऑलवेज यूज़ करना एब्सोल्यूट प्रेशर, चाहे वो लोअर केस में हो चाहे अपर केस में, क्योंकि न्यूमेरिकल का बेस बनाया ही इस बेस पे जाता है, ताकि उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू रखी जाए वो। तो आज का टॉपिक मेरा यही था, अगर आपको कुछ इस बारे में पूछना है मेरे कमेंट में क्वेश्चन पूछिए और मैं रिप्लाई दूंगा। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट मैं 8 दिन बाद डिस्प्ले करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।